अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। प्यारी से अच्छी सी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, हम लोग निकल पड़े हैं वापसी अपने घर के लिए, और एक्साइटमेंट है, खुशी है। बाकी लोगों को जिनको हम घर में छोड़ के आए हैं, बच्चों को, उनके लिए काफ़ी टेंस थे। तो माशाल्लाह से सफ़र अच्छा जा रहा है। मोटरवे पे हैं, पहाड़ी चढ़ रहे हैं कठा वाली। यहाँ से हम करेंगे आगाज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो का। जो हमने दो दिन गुजारे उसके कुछ क्लिप मैंने लिए। यहाँ पे बन रही है कड़ी, कड़ी के अंदर से आ रहे हैं धुएं। ये देखेंगे, इधर बन रहे हैं पकौड़े। ये कराची स्टाइल की बन रही है कड़ी। मैं जैसे बनाती हूँ उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर ये मैंने खाई हुई है, बहुत टेस्टी है और बहुत यम्मी सी बनती है। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज यहाँ से कर रही हूँ। दोपहर कितने बजे से? 2 बजे से, जुमा था, क्योंकि जुमा था और बस जल्दी जल्दी उठे, लेट उठे और फिर उसके बाद नाश्ता किया, तो गपशप में पता ही नहीं चला। वीडियो बनाने को दिल ही नहीं करता। ये देखें जी, मौसम देखें, माशाल्लाह से धूप निकली हुई है मगर आज हल्की फुल्की है। सही नहीं है, सही नहीं है, इतनी अच्छी धूप नहीं है। बातों में टाइम ऐसे गुजरता है कि बस मोबाइल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता हमारा, और दिल भी नहीं करता, सच्ची बात है, गप्पे मारते हुए। अभी इसमें जा रहे हैं पकौड़े कड़ी के अंदर। अब देखिएगा कैसे शोर करती है कड़ी। ये देखें जी, शोर हो रहा है, थोड़ा किया इसने, तड़के में शोर नीचे। नीचे असल में फ्लेम नहीं है ना, पक चुकी। ये जी पकौड़े जा चुके हैं इसमें। अभी जो है ना, इसमें जाएगी बाकी पकौड़े और फिर इसके इसको हम सर्व करेंगे। जुमे के बाद सब आ जाए ना, तो फिर तड़का वड़का लगा के हम इसको टेबल पे रखेंगे और सब खाएंगे। मगर अभी सब जुम्मे के लिए मसरूफ़ हैं, तो मैं भी जुम्मे के लिए जा रही हूँ, तैयारी करती हूँ, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये खाना लग चुका है अभी। ये चने की दाल का सालन है और ये बॉइल्ड राइस हैं साथ में। ये है जी कड़ी। अभी हम सबको देते हैं आवाज़। आ गए भाई, खाना लग गया है सारे। आप जी, मुर्गियों का खाना रेडी हो रहा है, देखें कितने फुल प्रोटोकॉल के साथ, लवाजमात सारे अंदर, इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं, हल्दी और अजवाइन। हाँ, हल्दी और अजवाइन, और गरम गरम तपती रोटी है, और हमारा शरवादा दे के आएगा अभी जो है ना, दे के आना पड़ेगा, वरना तो फिर अब ज़ाइफ़ा हो जाता नहीं है, वो तो काम करता नहीं है। ना ना, तो ये हो रहा है जी कुछ इस तरह। अभी खाने पे कोई भी नहीं आ रहा, खाना लग चुका है, सबको बुलाया है, कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो एक दफा फिर ट्राई करते हैं। नाश्ता लेट किया है? हाँ, नाश्ता लेट किया ना। नहीं, बुलाने चलते हैं सबको, मे भी कोई आ जाए। बच्चो आ, हेलो, खाना रेडी हो चुका है, आ जाए प्लीज। एक बंदा तो आ चुका है टेबल पे। चलें जी, अभी हम करते हैं खाने को स्टार्ट, उसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेबीज का चाय पी रहे हैं सब। यहाँ पे जी कपड़े तय हो रहे हैं, और यहाँ पे जी अम्मी को ऊपर चाय देने गए हुए थे, और खाने वाले बर्तन वापस आ गए हैं। यहाँ पे यही रूटीन है और यही चल रहा है, यही सब कुछ मैं कैप्चर। इधर जी सारे मसरूफ हैं अपने अपने कामों में। असर की नमाज पढ़ने के बाद सब जी अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए। ये बन रहा है अचार गोश्त का मसाला, मशहूर तरीन शेफ के हाथों से, जो हमारे घर में रिजेक्ट हो जाता है।
इसकी एक स्टोरी है गाइस, आप लोगों को मैं किसी दिन इंशाल्लाह या अगले क्लिप में मैं आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह। साथ साथ रहते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट चिकन ऐड किया है और ऐड करने के बाद अब इसको भूना जा रहा है। तो अब कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में रेडी हो जाएगी, क्योंकि गाइस ये सिलेंडर है और सिलेंडर पर ये बन रहा है, तो ज़रा फ्लेम भी थोड़ा स्लो है, अगर अच्छा बनता तो वेट एंड वॉच। तब ये बंदा खा लेगा, शक्ल अच्छी, मेकअप अच्छा होना चाहिए। जब भूख लगी हो ना तो मेकअप अच्छा हो खाने का, बहुत अच्छा हो रहा है ना, फिर वो जैसा भी हर चीज अच्छी लगती है, पेट भरा हो ना अच्छी चीज है, तो मेन चीज है आपकी भूख, तो अपनी भूख को कायम कायम रखना। माशाल्लाह अच्छा बन रहा है, हाँ बहुत अच्छी बन रहा है। और सबसे पहले हम लोगों ने इसमें लहसुन अदरक टमाटर प्याज सब चीज़ें हमने ग्राइंड कर ली थी, और ग्राइंड करने के बाद ऑयल डाल के हमने इसमें कढ़ाई में डाल दी थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, तकरीबन जब इसका पानी कुछ हो गया ऑयल ऊपर आ गया, फिर हमने इसमें मसाले डाले, फिर उनको थोड़ा भुना है ताकि, चूंकि चिकन जल्दी गल जाती है, हमने मसाले नहीं डाले, हमने अचार गोश मसाला डाला है ना, अचार गोश मसाला ही डाला है, सिर्फ वही डाला है उसमें, ताकि वो भून जाए पहले अच्छा सा, फिर हमने चिकन डाली है, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, फिर मसाले थोड़े कच्चे रह जाते हैं। यकीन करेंगे पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, बहुत मजे की ना, बहुत मजे की खुशबू आ रही है, यकीन करें बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये दुद्दू है मेरे पास, दुद्दू ये मेरे पास, दुद्दू ये देखो एक बेच बुशरा, तेनु क्या आँखा बेचा, निकी ना दिखाए जरा, जूता दिखाए अपना, कैसा है आपका, इधर देखो जी। तो ये थी वृष्णा, और इनको सबको गांव से मिलते हुए निकल आए हम लोग अपने घर की तरफ, और सफ़र शुरू हो गया हमारा। ये थी कुछ यादें, कुछ टाइम जो गुज़रा हमारा, कुछ क्लिप्स जो मैंने कैप्चर किए थे वो मैंने एडिट करके डाल दिए, एक दो दिन के मिक्स थे, तो मैंने आगे पीछे जो भी जैसे भी हुआ, जो जितने मैं कैप्चर कर पाई मसरूफियत में से, वो मैंने सब इसके अंदर डाल दिए। होप के आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट किएगा, इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी वीडियोज़ को वॉच करें। कलर का हर इंटरचेंज पे हमने कुछ थोड़ी देर स्टे किया, यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम रवाना हो गए, और यहाँ पे माँ मस्तियाँ करती हुई जा रही है, तंग करती हुई, बहन भाइयों के लिए ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, सॉन्ग करके वो बता रही थी, तंग कर रही थी, शोर कर रही थी, और बस मस्ती करते हुए हम निकल पड़े। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखे याद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह की अमानत।